मीडिया के हमारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आप हमारे कहने पर यहाँ पे आए हैं। मार्च में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का यहाँ गठन हुआ था। इस कमीशन को 2 साल का टाइम दिया गया था और इस 2 साल के भीतर जितनी भी हमारी रिजर्व कैटेगरी हैं, रिजर्व क्लासेस हैं, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और भी जो कम्युनिटीज हैं जो इस रिजर्वेशन के दायरे में आती हैं, उन सबका एक कमीशन के द्वारा पूरा रिव्यू किया जाना था और इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कौन सी कास्ट हैं, कम्युनिटी हैं जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाना चाहिए और कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखना है, इन सब के लिए ये कमीशन गठित हुआ था। और इसी साल सवा साल के पीरियड में लगभग जम्मू से, कश्मीर से लगभग सभी कम्युनिटीज़ के, सभी कास्ट के जो डेपुटेशन हैं वो इस कमीशन से जम्मू में भी मिले और श्रीनगर में भी मिले। उसी कड़ी में कमीशन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक न्योता दिया गया, निमंत्रण दिया गया कि सभी कम्युनिटीज़ हमें हमारे पास आई हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और आप एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपना सुझाव दें और हमसे बात करें कि आपके जो सजेशन हैं ताकि वो कमीशन उस पर काम कर सके और जल्दी से वो रिपोर्ट जो है सबमिट हो सके। साथियों, आज ये डेलीगेशन हमारा जो है 6 लोगों का आज कमीशन से हम मिले, वहाँ हमने बात की और मुख्यतः कौन कौन सी बिरादरियाँ हैं जिनको इस रिजर्वेशन की जरूरत है, अगर मैं उसमें बात ब्रीफ में बात करूँ तो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में जो आइडेंटिफाइड J&K में क्लासेस हैं, उसके अलावा एक वाल्मीकि हमारी बिरादरी है जो पंजाब से कश्मीर में लाई गई थी बहुत समय पहले, लेकिन उनको यहाँ का PRC जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलती थी और उनका मुख्यतः सफाई का काम होता था, उन लोगों को आज 370 हटने के बाद डोमिसाइल का उनको जो सर्टिफिकेट है वो मिलना शुरू होगा। हमारा निवेदन था कि इस कम्युनिटी को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में उसको जो कास्ट कैटेगरी है उसमें इंक्लूड किया जाए। उनके साथ साथ विशिष्ट एक कम्युनिटी है जो अरजोरी और इसके आसपास के इलाकों में ये लोग रहते हैं, उनको भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में ऐड किया जाए, इनको इसका बेनिफिट दिया जाए। इसके साथ साथ ST के लिए जो हमारे गुजर हैं, बकरवाल हैं, गद्दीज हैं, सिपीज हैं, ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स हैं। इनके अलावा हमारे पहाड़ी स्पीकिंग एरिया के जो लोग हैं, रजौरी है, पूंछ है, इस इलाके के लोग, बारामूला का कुपवाड़ा, जो इलाकों में जो पहाड़ी जो कल्चर है, पहाड़ी कल्चर के जो लोग हैं, इनको इंक्लूड किया जाए। इसके साथ साथ बॉर्डर के एरिया के लोग जो जिन और इनके साथ साथ जो हमारे कोलीज हैं, कोलीज और गद्दी सिपी, ये लगभग एक ही कल्चर है, एक ही काम है, लेकिन कहीं ना कहीं कोलीज को ST का दर्जा नहीं मिला है। हमने रिक्वेस्ट की है कि इन कोलीज को भी इसमें शामिल किया जाए और इनको ये ST का दर्जा दिया जाए। इसके साथ साथ इनके जो गद्दी सिपी के ब्राह्मण होते हैं, गद्दा ब्राह्मण इनको बोलते हैं, उनको भी ये बेनिफिट आज तक नहीं मिला था। हमारा निवेदन था कमीशन से कि इनको भी, गद्दा ब्राह्मण को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। इस तरह से ये जो ST कम्युनिटी है, इसमें जो बिरादरियाँ सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको इसमें ST कैटेगरी में लाया जाए। कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में जो OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको OSC का एक नाम दिया गया था, जो कि कहीं भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना कहीं भी किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में ये OSC जो है ये दर्ज नहीं है। हमने कमीशन से ये निवेदन किया है कि OSC को हटाकर जो ऑल ओवर इंडिया एक OBC का इस्तेमाल किया जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो शब्द यूज किया जाता है इस कम्युनिटी के लिए, जिसमें लगभग 28 कम्युनिटीज ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में आइडेंटिफाइड हैं, तो OSC को हटाकर OBC का जो है वो इसमें ऐड किया जाए। और इसमें अलग अलग बिरादरियां हैं जो जिनका अगर बैकवर्डनेस देखी जाए तो उसमें फॉल करती हैं, तो इसमें मुख्यतः हमारे लवाना हैं, सोची हैं, घरती हैं और ऐसी ही कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनको एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हम मानते हैं। इन सभी बरादरी को, सैनी है और ये हमारी जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो पहाड़ी इलाकों में जिनका
बैकवर्ड इतनी ज्यादा है कि उनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो है वो मिलनी चाहिए। इन सभी प्रांतियों को हमने ओबीसी का दर्जा जो है दिलाने का हमने निवेदन किया है।